नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूँ ज्योति। देखिए, अतीक अहमद के मौत के बाद लगातार सियासी जो है तेज है, लगातार इस पर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की मौत हो जाती है, किस तरीके से हथियार लहराते हथियारे आते हैं और अतीक अहमद को शूट कर देते हैं। और इसी को लेकर जब मीडिया यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से सवाल करती है तो वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। और जब बार बार अतीक अहमद की मौत को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है नंद गोपाल गुप्ता जी से, तो कहीं ना कहीं फिर अंत में आके गुस्सा कर वो सीधा मीडिया से बोलते हैं, क्या अब मुंह में घुसा कर सवाल पूछोगे? इतने गुस्से में होते हुए उन्होंने ये बयान जारी किया। तो पहले आप सुनिए कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। चलिए सर, ये बताइए, आज नामांकन कर रहे हैं, क्या है भरोसा जीत का? 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कोल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, यह धरातल पर दिखाई दे रहा है, हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते, दोनों सीट पे जीते हैं स्वार और यहाँ छाने, निश्चित रूप से दोनों सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। हत्याकांड हुआ है अतीक अहमद का, उस पर क्या अभी आप इसकी बात करिए, अभी चुनाव की बात करिए, चुनाव की बात करिए, जो शूटर मारे, शूटर मारे गए उस पे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, चुनाव की बात करिए। नहीं नहीं, शूटर क्या किसी गिरोह के, ये लग रहे थे कि मुंह में घुसा के बोलो। नहीं नहीं, मुंह में नहीं, ऐसे पूछ रहा है किसी गिरोह के थे या अभी कुछ इनपुट मिला है। देखिए, जब अतीक अहमद की मौत होती है और जब इस पे सवाल किया जाता है यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गुप्ता जी से, तो वो इस पे चुप्पी तो साध लेते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से बचते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये चुप्पी किस ओर इशारा करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, उन आते हैं शूटर उन्हें मार देते हैं, तो क्या एक तरीके से कहा जाए तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज है क्या? जैसे लोग यूपी की यूपी सरकार में वैसे मांग कर रहे थे, क्या फिर से एक बार गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर जिस तरीके से इस कस्टडी में मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच तो चल रही है, लेकिन इस पे बचना मंत्रियों का, ये क्या कुछ कहता है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।